making good, doing good work, और कभी किसी का हमेशा भला ही करो. There's no use doing it any other way. आपकी wishes? सबको मेरी क्रिसमस मेरी तरफ से एंड हैप्पी न्यू ईयर. एंड एज स्नेहा सेड कि डू गुड सो गुड विल हैपन टू यू बिकॉज वी बिलीव इन दैट एंड इट कैन कम इन एनी फॉर्म. मतलब आप किसी की भी मदद कर दो या किसी एनिमल की हेल्प कर दो, क्योंकि स्नेहा एंड मी बोथ आर इन टू वी आर लाइक एनिमल लवर्स. तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जो लोगों को शायद पता नहीं चलता. लाइक जैसे कोई बर्ड्स होते हैं जो कि घायल पड़े होते हैं, तो यू कैन टेक देम टू देर आर हॉस्पिटल हु विच टेक केयर ऑफ द बर्ड्स. सो यू जस्ट नीड टू टेक देम टू दैट हॉस्पिटल. सो समथिंग लाइक दैट और एनी थिंग एल्स. एंड आई थिंक सबके न्यू ईयर कंक्लूजन भी अभी शुरू हो जाएंगे और वो लास्ट तक टिकेंगे कि नहीं पता नहीं, बट आई थिंक या डू गुड एंड एन्जॉय द लास्ट फ्यू डेज ऑफ दिस ईयर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. See, first of all, I'll tell you it's a very great initiative, especially the most important part of opening this NGO and helping the children and being women is one of the great word itself. Especially aap Nivedita, I'm a fumble kar raha hu aaj, mujhe kuch soya nahi. And Nivedita ma'am ko aap jante hain ki how busy she is, and especially taking out time from her schedule, television, jo that's also one of the best thing. And I wish her very good luck, superb luck. Looking forward for more news and more things about this NGO, and always up for it. Yeah. ज़रूर नया साल आ रहा है, उसके पहले क्रिसमस का भी, क्रिसमस भी आ ही चुका है, इट्स ऑलमोस्ट देयर. या सो आई विश एवरीबडी लाइक ऑलवेज सबको बहुत 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 शुभकामना अगले साल की. जो इस साल नहीं कर पाए वो डेफिनेटली अगले साल करिए, क्योंकि मैं भी वो बहुत कुछ करने वाला हूँ. सो विश यू ऑल अ वेरी सुपर हैप्पी न्यू ईयर एंड अ ग्रेट 2019 व्हाट आई वुड से. एंड चीयर्स. पहला कदम और निवेदिता जी ने इसका इसको शुरू किया है जी. तो ऐसे कैसा कोई इवेंट आता है या कोई ऐसा इनिशिएटिव दिया जाएगा तो क्या लगता है आपको कितने दिन चलेगा या फिर इसका असर लोगों तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? देखिए, पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि निवेदिता बासु बहुत ही टैलेंटेड है, ये बात सबको पता है. लेकिन वो मेरी बेस्टी भी है, मेरी बहुत ख़ास दोस्त है और अब फैमिली है, और अब इनकी भी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है. और इस बात की बहुत खुशी है कि पहली बार उनके डायरेक्शन में मैंने भी इसमें किया है कुछ बहुत ही खूबसूरत. और दे आर सेलिब्रेटिंग द स्पेशल वुमेन ऑफ देयर लाइव्स विद ऑब्वियसली मैन, दे आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग विद वुमेन फॉर बीइंग सो इम्पॉर्टेंट पार्ट. और खुशी इस बात की है कि इस चीज़ का हिस्सा, जब वो पहली बार ऐसी कोई चीज़ बना रही थी तो उन्होंने मुझे याद किया और मुझे इस चीज़ का हिस्सा बनाया. तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की. ललित दालमिया ने बहुत ही खूबसूरत लहंगा डिज़ाइन किया है मेरे लिए, जो कि ये भी बहुत एक्साइटेड है देखने के लिए. ही इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. थोड़ी लेट हो गई हूँ आज और बस चाहती हूँ कि ही शुड से समथिंग अबाउट मी बीइंग पार्ट ऑफ हिज लाइफ नाउ. खुशी है. देखिए निवी, एज फार एज आई नो, मैं जब मिला उससे, मैं पहले से भी जानता था उससे, बिकॉज आई वर्क इन बालाजी. और व्हेन आई मेट विद विंध्या, तो मैंने विंध्या को जाने के बाद एक ही चीज़ कही थी, दिस गर्ल हैज़ फायर टू डू समथिंग विच नोबडी हैज़ डन इट. सो आई बिलीव निवी ने जो ये पहला कदम उठाया है, ये कदम से कदम मिलाकर पूरी जनता चलेगी, सारे लोग चलेंगे. और एंड आई एम प्राउड ऑफ निवी दैट उसने ये इनिशिएटिव लिया है, यू नो, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू यू नो ओपन समथिंग, टू ब्रिंग अप समथिंग न्यू. एंड ऑफ कोर्स विंध्या इज पार्ट ऑफ दिस, तो आई एम श्योर कि ऑफ कोर्स यार विंध्या है, मतलब बात ही खत्म. विशेस फॉर न्यू ईयर, यार ऑफ कोर्स यार न्यू ईयर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको. लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि न्यू ईयर में बहुत सारे पटाखे फोड़े जाते हैं,
जैसे कि दिवाली में फोड़े जाते हैं एंड एनिमल्स बहुत सफ़र करते हैं. सो अगर आपके लिए आप उम्मीद, हर इंसान उम्मीद करता है बेसिकली कि नया साल जो है वो खुशियाँ लाए, अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी लाए. तो मेरी रिक्वेस्ट और विंध्या की रिक्वेस्ट बीइंग डॉग लवर्स, एनिमल लवर्स, कि ऐसा कोई कदम ना उठाएं कि किसी और को हर्ट हो, चाहे वो इंसान हो या जानवर. Thank you so much. And this year, this new year is very, very special for both of us. So thank you so much to give so much of love to both of us. And we want you all to have your loved ones and dear ones around you and celebrate the new year with full dhamaka. Thank you. Hi, sir. Welcome to this conversation, sir. Pehla kadam uth chuka hai nari shakti ki taraf aur aapki kya memories judi hai apni mata ji ko lekar, behan ko lekar, ghar mein kaisa mahol rehta hai, aapko kya lagta hai sir ki ye jo event abhi shuru hua hai kab tak rahega ya kis tarike se hum support karna chahiye? I think aise initiatives bahut acche hote hain, jaise ye abhi naya mahol hai, naya internet ka zamana hai और लोग अपनी फैमिली से बहुत बिछड़ जाते हैं इन चीज़ों में, अपनी फैमिली याद नहीं आती है, मोबाइल में बिजी रहते हैं. और ऐसे जो इनिशिएटिव्स है वो बहुत अच्छे होते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए लोगों को, और ये रियलाइजेशन लोगों को बाद में होगा. तो जब ये से इनिशिएटिव आते हैं तो ये रियलाइजेशन होता है कि बहुत ज़रूरी है कि फैमिली लाइफ होनी चाहिए. वुमेन एम्पावरमेंट में हमेशा सपोर्ट करते हैं, सारे इवेंट करते हैं. इनफैक्ट मेरी जो वाइफ है लक्की मोरानी, वो काफ़ी इवेंट्स वुमेन एम्पावरमेंट में कर रही है, और हम लोग एक बहुत बड़ा इवेंट, बहुत बड़ा सरप्राइज अभी वुमेन एम्पावरमेंट पे करने वाले हैं, जो बहुत बड़ा इवेंट है और बहुत बड़ी आइडिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू विश निवेदिता मैम एंड ललित डालमिया, हु आई एम एक्चुअली अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर हिम, आई वॉक फॉर हिम, एंड अमेजिंग इनिशिएटिव. एंड ऑल्सो लाइक टू विश देम ऑल द बेस्ट एंड ऑल्सो अ वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स एंड ऑल द पीपल टू सपोर्ट दिस इनिशिएटिव. Initiative for women and obviously someone empowering women, someone supporting women is really something we look forward for, and I would wish you all the very best. So what do you? Same. In fact, feels nice that women are taking this initiative to bring up women of this nation, and it needs to be done over time and again. We need to be realized that yes, women have the equal stand in our society as well as men. So yeah, it is a feeling of pride. So yeah, nice. Don't you think that जब भी initiative लिया जाता है किसी भी चीज को लेकर वो कुछ दिन रहता है, उसके बाद वो चला जाता है और नई चीज आ जाती है, तो थोड़ी अपनी होता है ऐसे. तो टू कीप दिस सच थिंग्स अलाइव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो रेगुलरली यू नो यू आर मेकिंग एफर्ट्स टू कीप इट अलाइव. एक्चुअली मैं इतना कहूँगा कि सिर्फ हम ही नहीं, इनफैक्ट हर इंसान को उतना ही इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए. हम लोग एक पड़ाव ले लेंगे तो आप भी अगर एक स्टेप उठाएंगे, और अगर हर एक इंसान एक स्टेप उठाएगा तो बहुत डिफरेंस होगा. अगर सिर्फ चार लोग इसके बारे में बात करेंगे और फिर चार दिन बाद भूल जाएंगे तो डजंट मेक सेंस. सो आप लोगों को भी उतना ही इक्वली पार्टिसिपेट करना होगा जितना हम लोग कर रहे हैं. यस आई विश देम वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड ग्रेट ईयर कमिंग अप अहेड. 2018 हैज़ बीन सो फार सो गुड फॉर बोथ ऑफ अस एंड आई होप दैट इट्स बीन ग्रेट फॉर यू गाइज एज वेल. सो वी रियली होप दैट दिस ईयर नेक्स्ट ईयर टर्न्स आउट टू बी अ ग्रेट ईयर फॉर ऑल यू गाइज. इवेंट पे आए पहला कदम, आप इसके बारे में वुमेन को क्या?
वुमेन्स तो हमें मैसेज देती आई हैं, हम क्या उनको मैसेज देंगे? हम तो कौन ही होते हैं वुमेन को, यू नो, महिलाओं को मैसेज देने वाले? पर भाई की साइड, हमें बचपन से लेके आज तक सारी मैसेजेस, सारी सीख, सारी यू नो माँओं से, बहनों से, भाभियों से, चाचियों से, बीवियों से।